हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था लगभग 6:30 बजे के आसपास, बट उसके अंदर कुछ साउंड की प्रॉब्लम हो गई। ये वीडियो वापस उसी माइक से अपलोड हो रहा है, बट कभी कभी पता नहीं होता है मेरे साथ। एक्चुअल में ऐसा मेरे साथ होता है, खैर कोई दिक्कत नहीं, वापस से वीडियो बनाने की थोड़ी सी मेहनत है, कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा छोटा रहने वाला है, दुख मुझे इस बात का है कि उस वीडियो के अंदर आज जबरदस्त तरीके की बकवास फैली गई थी, बट वीडियो खराब हो गया और बकवास और फीलिंग मन से निकलती है। तो अब दूसरी तरीके का मूड है। अब सुनिए, कल के मार्केट के ऊपर बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कल कहा कि मार्केट, जब तक आपका मार्केट 51,000, जब तक आपका मार्केट 51,200 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, हमें कुछ अच्छा खासा देखने को नहीं मिल सकता। मार्केट को अगर अपसाइड की तरफ जाना है, इस लेवल के ऊपर वन डे की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और डाउन साइड की तरफ एक जो हमारा स्ट्रॉन्ग आपका एक सपोर्ट बना हुआ है, वो है 50,000 का साइकोलॉजिक सपोर्ट। ठीक, मार्केट काफी दिनों से हमारी एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है, 51,200 51,000 से लेकर के 50,000 तक का लेवल। फिर एक चीज और आती है, जैसे कि हम बात करें इसके अंदर 1 वीक के ऊपर, कि 1 वीक के ऊपर क्या मामले रह सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पास लेवल है अपसाइड का, ये वाला 51,000 का साइकोलॉजिक लेवल। डाउन साइड की तरफ बात करें, डाउन साइड की तरफ लेवल हो जाता है 50,000 का साइकोलॉजिक लेवल। अगर हम इस लेवल की बात करें तो मान सकते हैं 49,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, तो मार्केट लगातार इसी 1200 पॉइंट के अंदर पिछले 2 वीक भी घूम गया, और इस वीक भी मार्केट कुछ इसी तरीके से कर रहा है। आज भी मार्केट के अंदर कुछ खास समय देखने को नहीं मिला, निफ्टी की एक्सपायरी थी, सारे दिन निफ्टी आज 40-50 पॉइंट के अंदर घूमती रही। ऐसा कुछ सीन हमें देखने को मिल रहा है, या तो मार्केट आपका जबरदस्त तरीके से वॉलेटाइल हो जाता है, या फिर मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर उलझ के रह जाता है। और जो आज की रेंज थी वो इस पूरे मंथ के अंदर सबसे छोटी वाली रेंज थी। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप लोगों को एक चीज फिर बता देना चाहता हूँ, उस वीडियो के अंदर जो मैंने बोला था, लाइक उस वीडियो की ऑडियो इतनी बकवास थी, इस वजह से मैंने सुना, मुझे काफी लेट पता चला, मैंने उसको बिना सुने अपलोड कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा ही करता हूँ, वीडियो बनाया उसे अपलोड करता हूँ सीधा। ठीक है, तो ठीक है, देखिए, जिंदगी हो या मार्केट, एक्चुअली में इस मार्केट के अंदर कहीं लोग इस मार्केट को पता है कैसे बोलते हैं कि मैं भी मार्केट खेलता हूं, मैं हार गया, मैं जीत गया, ये शब्द होते हैं हार जीत खेल, और ये उसी बकवास का थोड़ा सा अंश है जो जरूरी है, एक्चुअली में जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप इन चीजों को समझे, जाने, पहचाने। एक्चुअली में कई लोग इस मार्केट को खेल समझते हैं, कई लोग इस मार्केट को एक बिजनेस की तरह लेते हैं, कई लोग इस मार्केट को गैम्बलिंग की तरह लेते हैं, बट मैं आप लोगों को एक चीज कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हाल फिलहाल आप मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हो, कई लोग किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके वर्क करने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं, तो उनके वर्क करने का जो फर्स्ट तरीका है वो ये है कि वो एक कॉल जानते हैं, वो एक पुट जानते हैं। ठीक है, और कभी तुक्का लगता है, कभी नहीं लगता है। ठीक, बट एक्चुअल में ये मार्केट नहीं है। अगर आप 5-6 साल के बालक को अगर ये सिखा दो कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा कॉल की रेट बढ़ेगी, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा पुट की रेट बढ़ेगी, तो वो हमसे बेहतर कर लेगा। जी हाँ, वो हमसे शायद बेहतर कर ले, क्योंकि हम भी तुक्के लगा रहे हैं, हो सकता है बच्चे का तुक्का हमसे ज्यादा अच्छा लगे, है कि नहीं। तो ये है तुक्के लगाने वाली बात। फिर दूसरी बात, अगर खेल भी खेलेंगे तो एक्चुअल में उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खेल के नियम कायदे। फिर वो खेल कुछ भी हो सकता है,
क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल का मैच हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, कुश्ती हो सकता है, दंगल हो सकता है। अभी ओलंपिक हुआ था, आपको एक न्यूज देखने को मिली मिली होगी, केवल 100 ग्राम वजन के कारण, 100 ग्राम वजन के कारण हमारा एक प्लेयर ओलंपिक के अंदर शायद गोल्ड ला सकता था, क्या पता गोल्ड लाता या नहीं लाता, बट इतना दावे के साथ जरूर कहता हूं कि सिल्वर तो हम जीत जाते, बट हम हार गए। किसकी वजह से हार गए, किसकी वजह से हार गए, पता नहीं किसकी वजह से हार गए, बट जो हमारे सामने एक चीज सामने आई थी वो था रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन, और रूल एंड रेगुलेशन के चक्कर में वेट के अकॉर्डिंग उनको खेल से, रेसलिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ठीक है, अब एक्चुअल में आप न्यूज पढ़ते हो, बट आप उसको किस तरीके से लेते हो, कुछ सीखते हो न्यूज से? देखिए कई लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं, मेरे पास जो मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी है, मेरी पर्सनल लाइब्रेरी, उसके अंदर काफी सारी बुक्स, आप उन सारी बुक्स में से किसी भी बुक्स में उठा करके आप कुछ भी पूछोगे तो हो सकता है मैं आपको जवाब दे दूं, क्योंकि मैंने उतने ही दिल से उन चीजों को पढ़ा है, जिया है, समझा है। फिर वो किसी की बायोग्राफी थी, या फिर कोई लव स्टोरी थी, या फिर कोई ऐसा सस्पेंस थ्रिलर वाला मामला था। ठीक, एक्चुअल में चीजों को पढ़ना जीना जरूरी होता है। अब अगर आपने न्यूज को सुना होगा, किस वजह से, केवल एक रूल एंड रेगुलेशन की वजह से वो खेल से बाहर हो गई। तो इसी तरीके से ये हमारा खेल है जिसको आप बोलते हो ना खेल, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये भी तो एक ऐसा ही खेल है, एक गलती और खेल से बाहर, होता कि नहीं होता है, डीमैट अकाउंट 0 और खेल से चुटकी में गेट आउट। तो एक्चुअल में हो सकता है उस रेसलर को 5 साल बाद मौका मिले, 4 साल बाद मौका मिले, वैसा वाला मौका। उसी तरीके से ही मार्केट है, यहाँ कहा नहीं जा सकता, यहाँ कहा नहीं जा सकता, यहाँ आपको दोबारा मौका मिले या नहीं मिले, क्योंकि यहाँ मौके के लिए भाई साहब फंड की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, या जिंदगी की आवश्यकता पड़ती है। पैसा ही तो है जिंदगी, आज के जिस संसार के अंदर हम जी रहे हैं उसके अंदर पैसा लाइफ, पैसा लाइफ है। एक्चुअल में अब आप में से कई लोग कहने वाले हो कि देव सर ऐसा नहीं होता है, अरे मैं कह रहा हूँ रे, बिना पैसे जी के तो देखो, मैंने मेरी जिंदगी के कई दौर कई दिन बिना पैसे जिए, मुझे पता है पैसे के बिना जिंदगी नहीं है, पैसे के बिना जिंदगी नहीं है। एक्चुअल में कोई अगर आपके ऊपर दया कर रहा है या फिर आपकी हेल्प कर रहा है, तो एक्चुअल में या तो वो आपके बैकग्राउंड से प्रभावित है, आपके फैमिली बैकग्राउंड से, या वो आपकी फैमिली को जानता है। थोड़े से एक डिले होकर के जाइए, फोन तक नहीं उठाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ पैसा ही लाइफ है। ठीक है, ये बात हो चुकी। तो एक्चुअल में जिंदगी हो या गेम या खेल या शेयर मार्केट, या नियम कायदे वर्क करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी नियम कायदे वर्क करते हैं, अगर नियम कायदों के अकॉर्डिंग चलोगे तो पता नहीं जीत पाओगे नहीं जीत पाओगे, पता नहीं यहाँ पर आप गोल्ड लेकर आओगे नहीं लेके आओगे, पता नहीं यहाँ आप सिल्वर लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आप इस खेल से बाहर नहीं होगे, आप इस खेल से बाहर नहीं निकलोगे। और एक चीज का ध्यान रखना, खिलाड़ी अगर मैदान से बाहर नहीं जा रहा तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खिलाड़ी अगर मैदान से नहीं जा रहा बाहर, हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है थोड़ी और कसम कस लगे, हो सकता है थोड़ा और जोर आजमाइश हो, बट हो सकता है कि कभी गोल्ड कभी सिल्वर हाथ लग जाए। तो एक्चुअल में इस खेल के अंदर रहने के लिए नियम कायदों की जरूरत पड़ती है,
मैं मेरी स्ट्रेटेजियों के अंदर जो 4 कैंडल की जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, मैं फिर बकवास करने लग गया और वीडियो काफी बड़ा हो गया और 7:30 बजने वाले हैं, 7:12 हो गए, 7:30 बज जाएंगे जब तक तो अपलोड करूंगा वीडियो, काफी लेट हो गया पहले उसने कर दी। तो सुनो, मैंने आज से पहले 4 दिन पहले वर्क किया था और 4 दिन पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी के ऊपर बात की थी, ठीक है, ऐसी गोल्डन 4 कैंडल वाली स्ट्रेटेजी जो आपको मार्केट के अंदर पैसा कमाना नहीं, एक्चुअली उस स्ट्रेटेजी के अंदर मेन पता है क्या है, 95% तक आप ट्रैप ही नहीं होते। उस स्ट्रेटेजी को बनाने का जो मेन जो मेरा मकसद है, तो कोई स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है तरीका काम करने का, किस तरीके से आप काम करें। उस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट है 95% आप ट्रैप नहीं होते। और एक तरीका हो रहा है कि 22 दिन में से आप केवल और केवल उस स्ट्रेटेजी के अंदर 12 या 13 दिन ही काम करोगे। एक्चुअली में आप चाह कर भी गलतियां नहीं कर सकते, गुंजाइश से नहीं होगी। और जिसने मेरा वो वीडियो सुना है, देखा है, वो अगर आज वो मार्केट के अंदर था तो भाई साहब आज उस इंसान ने मुझे गालियां दी होगी, आज उस इंसान ने मुझे गालियां दी होगी कि कंबख्त तूने क्या स्ट्रेटेजी बताई है। बट हो सकता है उसने गालियां दी हो बट उसका लॉस नहीं हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तो मार्केट के अंदर आज मूवमेंट थी ही नहीं। आपको पता है मैं मॉर्निंग के अंदर जिस दिन मार्केट के अंदर अच्छी मूवमेंट होती है, जाकर के रिकॉर्ड चेक कर लेता टेलीग्राम पर, जिस दिन अच्छी मूवमेंट होगी मार्केट के अंदर उससे पहले मैं लाइव क्लास में चले जाता हूँ, और जिस दिन नहीं होती उस दिन मैं लाइव क्लास नहीं लेता। लाइव क्लास के अंदर मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर कोई कोल्ड टिप्स देता हूँ, एक्चुअली में मजा आता है, मार्केट चलता है तो समझाने में मजा आता है, स्टूडेंट्स को भी समझने में आसानी रहती है। एक्चुअली में कई लोग कहते रहते कि बंद क्लोज मार्केट में तो कोई भी कुछ भी सब बोल सकता है चार्ट के ऊपर, इसलिए मैं लाइव मार्केट के अंदर लाइव क्लास लेना ज्यादा पसंद करता हूँ कि जो सिखाओ ऐसा सिखाओ कि ये हो सकता है और वैसा हो जाए, कैंडल बन जाए, ये कैंडल बन सकती है वैसा हो जाए, तब सीखने वाले को भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है और सिखाने वाले को भी कुछ ज्यादा मजा आता है। तो इसलिए अक्सर मैं लाइव मार्केट के अंदर क्लास लेना पसंद करता हूँ। बाकी ऐप के ऊपर कई सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने छोड़ रखे हैं, कभी भी आप उनको देख सकते हैं, और लाइव क्लास भी एक्चुअल में रिकॉर्डेड रहती है ऐप के ऊपर, अगर मॉर्निंग में लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे वो हमेशा के लिए है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। तो मार्केट के अंदर मैं अक्सर नियम कायदे के ऊपर काम करता हूँ, मैं अक्सर नियम कायदे के ऊपर वर्क करता हूँ, और नियम कायदे पैसे बनाने के लिए नहीं है, केवल मार्केट के अंदर सस्टेन होना है, मैदान के अंदर सस्टेन होना है बस, मैदान से बाहर नहीं जाना है। हाँ, जीतोगे मेहनत करोगे तो हो सकता है फिर गोल्डन या सिल्वर जो भी ब्रॉन्ज जो भी वो आपके ऊपर है, आप क्या लेके आओगे, बट एक्चुअली मैदान से ही बाहर निकल गए तो फिर किसकी आशा करोगे, वो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप तो मैदान ही छोड़ भागे, और हो सकता है भागो नहीं बट ये खेल ऐसा है इसके अंदर भगा दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, यू आर गेट आउट, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, जी आपके पास पैसा नहीं, यही तो मैं सिखा रहा था आपको, पैसा लाइफ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला पैसा लाइफ, तो यही इस मार्केट के अंदर है। इस मार्केट के अंदर हमारे खेल की जान क्या है, हमारे खेल की जान है मनी, मनी नहीं है, आप आउट मार्केट के अंदर देखो आराम से और अपना खून जलाओ कि आज मार्केट के अंदर मूवमेंट हो रही है और आज कमबख्त हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप सुनो, बैंक निफ्टी का मामला हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 51,000, कौन सा वाला लेवल होगा, 51,266, ये लेवल रहने वाला है हमारे पास अपसाइड के लिए। डाउन साइड की तरफ अगर हम बात करें तो डाउन साइड की तरफ जो हमारे पास लेवल होगा वो लेवल होगा 50,647, ये लेवल हमारे पास डाउन साइड के लिए होगा। अगर कल भी इसी रेंज में घूमता है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, अगर अगेन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद में मार्केट हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाना चाहेगा, जो लेवल है 51,500। बात कर लेते हैं आपके निफ्टी नानी के ऊपर,
टेक्निकल ऑलरेडी मैंने आपसे कह दिया था, अगर आपने उन चीजों को फॉलो किया होगा, समझे होंगे, तो बिल्कुल आपने आज रिस्क नहीं लिया होगा, या फिर आप सेफ तरीके से गेम खेल रहे होंगे, तो वो लेवल होगा 24,865 जो मैंने आपको कल बताया था, इससे लेकर के 24,675 के आसपास का एक लेवल है। जब तक ये ब्रेक ना हो, अपसाइड डाउनसाइड कुछ बड़ा मत सोचना, और अगर आपने सोचा होगा तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी खुशी का कारण, ठीक है, क्योंकि गम तो नहीं बोल सकते। अब सुनो निफ्टी का मामला, निफ्टी की बात करते हैं कल के लिए। देखिए 24,865 था, ठीक है, 24,888 ये कल के लिए रहने वाला है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट के अंदर 24,940 और उसके बाद में 25,000 तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ, तो लेवल सुनिए 24,722, कौन सा वाला लेवल है, 722 लेवल को याद रखिए, इसके बाद में ही शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। बात कर लेते हैं आपकी सेंसेक्स के ऊपर, इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर सिंपल सा मामला है, वनडे के चार्ट के ऊपर बताऊंगा, 2 सेकंड के अंदर अभी काम हो जाएगा अपना। देखो ये 2 कैंडल देख रहे हो, इन 2 कैंडल के क्लोजिंग चेक करो, सेम जगह, आज भी आज वाली जो कैंडल का लो है वो भी सेम जगह, मतलब मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ ना, आप मानते नहीं हो, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट के अंदर कुछ भी हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जरूर मार्केट जाएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा मार्केट फॉलो करता है, रेस्पेक्ट करता है, फॉलो करता है, बट आप लोग सुनते कहाँ हो, डरले सुनते ही नहीं, मैं कहता ठीक। सब सुनो, डाउन साइड की तरफ जो हमारे पास एक लेवल होगा अच्छा खासा, वो होगा 80,880 डाउन साइड के लिए। अप साइड की तरफ लेवल सुनो 81,000, कौन सा वाला लेवल है, 81,446 ये वाला लेवल है, 81,446 का लेवल, 80,880 से लेकर के 81,446 अपसाइड की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए और अपसाइड की तरफ 81,500 के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो फिर सोचा जा सकता है एक लेवल ब्रेक होने के बाद 81,649 का लेवल अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है, तो यहाँ से हमें 200-250 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है अपसाइड की तरफ, 200-250 पॉइंट की, यहाँ पर ओनली 81,649, ठीक है। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ, 80,880 का लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, तो 80,600 और उसके बाद में 80,500 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है, एक अच्छा खासा पुल इसी के नीचे हम सोचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 4 कैंडल का जो नियम है, कई लोगों ने वो वीडियो देखी है जो मेरे स्टूडेंट है, तो उनको पता है उस 4 कैंडल की, गोल्डन कैंडल की पावर, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस थी, और वो कैंडल बचाती ही नहीं है आपको नियम गाइडेंस सिखाने के साथ में, एक काम और करती है, आपके जो 22 दिन होते हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर जो 5 और 6 दिन गोल्डन डेज होते हैं ना, उनको प्रेजेंट करती है, वो दिखाती है आपको कि हाँ आज वो गोल्डन डेज रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले, वो आपको ये भी बताती है कि आज मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होगा या नहीं होगा, वो आपको ये भी बताएगी कि आज मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है, बट थोड़ी सी मेहनत लगती है 4 कैंडल को समझने के लिए। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप बिल्कुल फ्री जुड़ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। बाकी नियम कायदे से रूबरू होने के लिए कोर्स है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड सीखना है तो ओनली ऑन एजुकेशन, करोड़पति बनने के हिसाब किताब से नहीं। उसके अलावा अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री हमारे स्टॉक वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे चार्ट देखने को मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सब।